हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम 12 फरवरी के SSCT का एग्ज़ाम के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो धर्मपाल जी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? तो 14 से 18 तक में आता है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पौधे में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है, पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल की खोज किसके द्वारा की थी? सौर मंडल की खोज किसने की थी? कॉपरनिकस ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय फुटबॉलर सबसे ज़्यादा गोल करने वाला सुनील छेत्री है। ठीक है, सुनील छेत्री। अगला क्वेश्चन है, भारतीय न्यायपालिका का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं कहाँ पर है? औरंगाबाद में है। अजंता की गुफाएं कहाँ पर है? औरंगाबाद में है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में खेल मंत्री कौन है? राजवर्धन सिंह राठौर है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक विकेट लेने वाले विकेट कीपर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी है। और नागरिकता किस अनुच्छेद में है? नागरिकता किस अनुच्छेद में है? तो 5 से लेकर 11 तक में है। क्वेश्चन है, सबसे छोटा पक्षी अभयारण्य कौन सा है? वैंथगल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लठमार होली कहाँ पर खेली जाती है? तो ब्रज में खेली जाती है। अगला क्वेश्चन है, ये सुना, अगला क्वेश्चन हमारा रीजनिंग का है। सबसे पहले हम इसमें डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, इसमें अंतर कितने का है? इसमें अंतर दे रखा है 35 का। इसमें अंतर देखेंगे तो 45 का अंतर आ रहा है। इसमें अंतर देखेंगे तो 55 का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो अगले में कितने का अंतर होगा? 65 का अंतर होगा। ठीक है, तो वही 137 और 65 कितने हो गए? 202 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसमें दो दो का डिफरेंस सब में है, तो अगला कौन सा होगा? 32 होगा, नॉर्मल से बताए तो। अगला क्वेश्चन है, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर थे। अगला है, सेम वही है, तो 32 का राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य होती है? तो सोना होता है। इसमें से हमको गलत छाटना है। ठीक है, रीजनिंग क्वेश्चन है, इसमें हमको गलत छाटना है। गलत कौन सा है? इसमें जो डिफरेंस देखेंगे कि डिफरेंस कितने कितने का आ रहा है, तो इसमें हम डिफरेंस देखते हैं तो इसमें डिफरेंस 13 का आ रहा है। ठीक है, इसमें देखते हैं डिफरेंस, इसमें भी कितने का आ रहा है? 13 का। अगले में भी 13 का आना चाहिए। ठीक है, बट अगले में कितने का आ रहा है? अगले में आ रहा है 15 का। ठीक है, इसमें 13 का आना चाहिए तो कितना आएगा? 143 आएगा। ठीक है, और 143 में अगर 13 जोड़ते हैं तो 156 आ रहे हैं। मतलब ये कौन सा गलत है? 145 में गलत है। ठीक है, क्योंकि इसमें 15 का डिफरेंस आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लक्षद्वीप किस सागर में है? अरब सागर में है। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन थे? अभिनव बिंद्रा थे। अगला क्वेश्चन है, 1998 में खेल रत्न विजेता कौन थे? सचिन तेंदुलकर थे। मेरे सत्य के प्रयोग महात्मा गांधी के द्वारा पुस्तक लिखी गई है। वैचारिक में प्रत्यय है, प्रत्यय क्या है? इसमें एक है, हिंदी क्वेश्चन है, इसमें एक क्या है? प्रत्यय है। इसमें पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। अगला क्वेश्चन है, राहुल द्रविड़ किस खेल संबंधित है? तो क्रिकेट संबंधित है। सूरदास के गुरु का नाम क्या था? तो बल्भाचार्य थे, बल्भाचार्य जी थे सूरदास के गुरु जी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के पश्चिम में पर्वत श्रृंखला कौन सी? अरावली पर्वत श्रृंखला है। ये रीजनिंग क्वेश्चन दे रखा है, दूध से हमें क्या मिलता है? कैल्शियम मिलता है। तो दाल से क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सीपी दे रखा है 3, एसपी दे रखा है 4, तो हमको इसमें बताना है कि लाभ मतलब कि प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है, इसमें सीपी कितना दे रखा है? 3। ठीक है, और एसपी दे रखा है 4, अंतर कितने का है? 1 का, और हमेशा सीपी पे निकालता, तो सीपी कितना है? 3, और गुड़े में 100। ठीक है, तो 100 से 100 काट दो तो कितना आ जाए? 33.33। ठीक है, ये 38 नहीं होगा, 33 होगा, 33.33% इसका आंसर आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ए बी का अनुपात दे रखा है 3:4, तो बी रेशियो ए और ए रेशियो बी, तो बी रेशियो को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बी कितना है इसमें? बी 4 दे रखा है, ए कितना है? 3। ठीक है, गुड़े में ए हमारा कितना है? 3, और बी कितना है? 4। ठीक है, तो 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा? 1 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2007 T20 वर्ल्ड कप में कप्तान कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी जी थे। जवाहर डैम कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, लोह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। कोल्लू का बैल होना, ये हिंदी क्वेश्चन है, मतलब कि कठिन परिश्रम करना। अगला क्वेश्चन है, जिसकी उपमा ना दी जा सके, इसकी उपमा ना दी जा सके, अनुपम होगा। ठीक है, उत्कृष्ट का विलोम क्या होगा? नितकृष्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निर्धन में कौन संधि है? निर्धन में कौन संधि है? तो विसर्ग संधि है, हिंदी क्वेश्चन है ये।
हवा महल कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये महात्मा गांधी की द्वारा लिखी गई पुस्तक है। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना जी थे। अगला क्वेश्चन है, पौधे में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो जाइलम के द्वारा होता है। ग्रामोदय योजना कहाँ पर स्टार्ट हुई थी, मतलब किससे संबंधित है? गांव के विकास संबंधित है ये। अगला क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड 2017 में कौन था? मिस वर्ल्ड 2017 में कौन थे? मानुषी छिल्लर जी थी, मानुषी छिल्लर। ठीक है, आरबीआई के गवर्नर कौन है अभी प्रेजेंट में? शक्तिकांत दास जी हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के पश्चिम में पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली है। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा पक्षी अभयारण्य पैंथेगल है। लठमार होली कहाँ खेली जाती है? तो ब्रज, ब्रज में खेली जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जहाँ पाँव से जूता निकल रहा हो उसका मतलब क्या है? मतलब कि वह पाँव से जूता उतर रहा है। अगला क्वेश्चन है, सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है? सियाचिन है। अगला क्वेश्चन है, भुजंग का पर्यायवाची क्या है? तो सांप कहते हैं भुजंग को पर्यायवाची में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1948 में ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो किशन लाल जी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोल्ड का प्रतीक क्या है? एयू है। अगर चांदी का पूछे तो एजी है। ठीक है, चांदी का एजी है और गोल्ड का है एयू। गति अवरोध का शुद्ध रूप क्या है? गति अवरोध का शुद्ध रूप क्या है? गति अवरोध है। अगला क्वेश्चन है, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। कोल्लू का बैलूना, कठिन परिश्रम, ये हो गया पीछे भी क्वेश्चन। 90वें ऑस्कर अवार्ड के फिल्म के लिए नामांकित, 90वें ऑस्कर अवार्ड के लिए नामांकित फिल्म कौन सी थी? न्यूटन थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन पैक्ट की तिथि कब थी? 4 मार्च 1931 की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिश्र धातु संबंधित है, मिश्र धातु संबंधित कौन सा है? इसमें बट ऑप्शन के ऑप्शन हमारे पास आए नहीं, तो ऑप्शन के माध्यम से होगा ये। ठीक है क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें एल दे रखा है 15 और बी दे रखा है 6, तो आयत आयत का क्षेत्रफल बता रहे हैं। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? एल गुणे में बी, तो 15 6 क्या होगा? 90, तो 90 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चुनाव आयोग का मुख्य कार्यकाल कौन होता है? क्या क्या होता है? 6 वर्ष का होता है। ठीक है, चुनाव आयोग का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन रीजनिंग का है, इसमें हम डिफरेंस देखेंगे, इसमें डिफरेंस कितने का है? इसमें डिफरेंस दे रखा है 15 का, इसमें 30 का, इसमें दे रखा है 45 का, तो अगला कितने का डिफरेंस होगा? 60 का। ठीक है, तो 93 और 60 कितना होगा? 153 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जम्मू कश्मीर में कौन सी धारा लगी पड़ी है? तो धारा 370 लगी पड़ी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भारत में नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? अमर्त्य सेन थे। ठीक है, ये एकमात्र भारतीय हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? तो 552 है, और प्रेजेंट में कितनी है? 545। ठीक है, और राष्ट्रपति इसमें कितने मनोनीत करता है? 2 मनोनीत करता है, और राज्यसभा में कितने करता है? 12 करते हैं। ठीक है, याद रखना ये। अगला क्वेश्चन है, 2020 के ओलंपिक कहाँ पर होंगे? टोक्यो। टोक्यो किसकी राजधानी? जापान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लड़का बहुत चालाक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? तुम्हारा लड़का बहुत चालाक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? तुम्हारा, हिंदी का है। गीता गाना गाती है, गीता क्या गाना गाती है? मधुर गाना गाती है, तो मधुर आएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। ठीक है, छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पार्श्वनाथ की चोटी है। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के विरोध में किसकी मृत्यु हो गई थी? लाल लाजपत राय की हो गई थी। ईरान की मुद्रा क्या है? इनारी दिनार है। ठीक है, ईरानी दिनार है। अगला क्वेश्चन है, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर के ऑथर कौन है? शशि थरूर। ठीक है, इस पर मूवी बनी है एक। अगला क्वेश्चन है, शहनाई वादक कौन है? बिस्मिल्ला खां जी हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, माउंटेन एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, विभूति का पर्यायवाची क्या है? विभूति का पर्यायवाची है बुद्धिमान। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन हैरी पॉटर के लेखक कौन है? जेके रोलिंग जी है। ठीक है, जेके रोलिंग हैरी पॉटर के ऑथर हैं। ठीक है, सौर मंडल की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो कोपर निकस के द्वारा की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हैरी पॉटर के लेखक कौन है? तो जेके रोलिंग है। ठीक है, हैरी पॉटर के लेखक कौन है? जेके रोलिंग है। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो कोपर निकस के द्वारा की गई थी। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।